हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक हो। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो होने वाला है कि लाइटरूम का जो प्रीसेट कॉपी पेस्ट का जो सेटिंग है वो आप लोग कैसे कर सकते हैं। इसका बारे में मैं पहले भी एक वीडियो बना दिया था, उसमें बहुत सारा भाइयों का कमेंट आया था कि भाई वो जो कॉपी पेस्ट का सेटिंग है वो दूसरे बार कुछ अच्छे से समझाओ। तो मैंने सोचा कि भाई उसके बारे में एक वीडियो ही बना कर समझा देते फ्रेंड्स, आज उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कैसे वो प्रीसेट का जो फोटो है वो लोग कैसे लाइटरूम के अंदर ला के उस प्रीसेट को दूसरे फोटो पर पेस्ट कर सकते हैं। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप आप लोगों से बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इसको उस फोटो को इम्पोर्ट करने के लिए आप लोगों को ऑल फोटोज पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग अगर क्लिक करोगे तो आप लोगों को सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो वहाँ पर जो नीचे का जो प्लस का आइकन है अगर क्लिक करके आपको अपना डिवाइस से कोई भी एक फोटो से यहाँ पर जो आप लोगों का प्रीसेट फोटो है उसमें RW लिखा रहेगा, वो होता है प्रीसेट का फोटो। आप लोग कोई सा भी एक फ़ोटो डाउनलोड करके यहाँ से प्रीसेट आप लोग ले नहीं सकते क्योंकि सबका फ़ोटो में ऐप नहीं होता। तो जिस फोटो में RW लिखा है वो होता है प्रीसेट का फ़ोटो। तो जैसे कि मैंने उस फोटो को यहाँ पर सेलेक्ट करके ऐड कर देता हूँ, थोड़ा ऐड होने में लेट होगा क्योंकि ये जो प्रीसेट फ़ोटो है ऐड होने में थोड़ा लेट करता है। तो अभी आ जाएगा कुछ देर बाद, आप लोगों को दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो प्रीसेट का फोटो है वो यहाँ पर आ गया है। आप लोगों को सिंपल से क्या करना है, इस फोटो पर ऐसे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद वो जो फोटो है वहाँ पर आपका सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को ये जो राउंड सर्कल हो रहा है वो कंप्लीट होने दीजिए। उसके बाद ऊपर जो 3 डॉट का ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करना है। कुछ नीचे की तरफ जाके आपको यहाँ पर क्रिएट प्रीसेट कॉपी सेटिंग का ऑप्शन दिखा देगा। आप लोगों को यहाँ पर कॉपी सेटिंग पर क्लिक कर देना है। आप लोग यहाँ पर कर देने के बाद आप लोगों के ऊपर जो राइट का ऑप्शन है इस साइड पे, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को दिखाई देगा सेटिंग कॉपीट हो गया। तो यहाँ से सिंपल से बैक जाके आपको जिस भी फोटो को एडिट करना है, जैसे कि मैंने इस फोटो को अभी आप लोगों को एडिट करके दिखा देता हूँ। तो मैं इस फोटो पर आया, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर फिर से 3 डॉट पर क्लिक किया। आप लोग देख सकते हैं पहले जो पेज सेटिंग का ऑप्शन नहीं था क्योंकि वो जो प्रीसेट फोटो है, तो अभी यहाँ पर जो पेज सेटिंग का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आप लोगों को दिखा दो कैसे उस फोटो का जो सेटिंग है, देख सकते हैं उस फोटो का जो सेटिंग है वो अभी जो लग गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छे से एक पर भी फोटो एडिट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पेस्ट होने के बाद आप लोगों को डायरेक्टली आपका जो फोटो है उस पर जो उसकी तरह नहीं होगा क्योंकि आपका जो फोटो है उसका लाइट वगैरह आप लोगों को खुद सेटिंग करना पड़ता है। तो लाइट वगैरह का सेटिंग यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से वो लाइट वगैरह का सेटिंग पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी लाइट पर क्लिक किया, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे कैसे करना है। एज ए हाईलाइट को थोड़ा कम करके मैं यहाँ पर जो एक्सप्रेशन को थोड़ा डाउन कर देता हूँ क्योंकि मेरे का जो वाइट है वो ज़्यादा हो गया था, तो इसको थोड़ा और बढ़ा देता है। आप लोगों को आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिए। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देंगे क्योंकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे